फिर से आपका डियर शुपांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज्यादा सस्ती अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। इसके अंदर एक टावर स्पीकर है जिसको मैंने केवल और केवल 2,000 रुपए का खरीदा है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 2,000 रुपए का एक फुल लेंथ टावर स्पीकर, और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा। तो चलिए अभी इसे खोल के देखते हैं। बहुत सिंपल पैकिंग में आया है, देखिए बॉक्स एकदम खाली, साइज एकदम फुल लेंथ टावर स्पीकर जितनी ही है। मैंने सोचा था कि ये स्मॉल साइज में होगा, लेकिन नहीं, ये पूरी की पूरी फुल साइज में है। गोल्ड प्लेटेड ऑक्स टू ऑक्स केबल और एक रिमोट मिल जाता है, जिसके पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है KGB। सोवियत संघ की इंटेलिजेंस मेरे टावर स्पीकर तक पहुंच गई। फिलहाल सोवियत संघ नहीं रहा, लेकिन KGB अभी भी लग रहा है एक्टिव है। तो ये देखिए, अरे वाह, देखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। व्हाइट है, एकदम सिंपल पेपर लगा हुआ है, जैसे वॉल पेपर होता है उसकी तरह। डिजाइनिंग तो देखने में काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पे ईटी मैक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो इसका FM एंटीना का वायर मेन सप्लाई पे लगा लेते हैं। ये तो एक्सपेक्टेड था, ये इस तरह जरूर बोलेगा। पैनल कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। यहाँ पे देखिए, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ऑक्स लगा सकते हैं। पीछे साइड इसमें कोई भी RCA कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। यहाँ से आप गाना आगे पीछे कर सकते, यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हैं। और ये मोड का बटन है, मतलब इसमें FM रेडियो वगैरह दिया गया है। वॉल्यूम, ट्रेबल और बेस कंट्रोल भी मिल जाता है। इसके लिए गुड जॉब ईटी में। ये एक नोएडा बेस कंपनी है। अब स्पीकर की तरफ आ जाते हैं। चलिए अब जल्दी से इसका साइज नाप लेते हैं। तो ये जो टावर स्पीकर है 12 और 12, 24 इंच का है, मतलब एक फुल लेंथ टावर स्पीकर है। और इसकी ब्रेथ 5 इंच है, की ब्रेथ 5 इंच है। इस साइड से 8.5 इंच, वो 0.8 mm का MDF का इस्तेमाल किया गया है। बिल्ड क्वालिटी वो बिल्कुल नॉर्मल टावर स्पीकर आते हैं 2,500-3,000 के, एकदम वही बिल्ड क्वालिटी इसमें दी गई है। ये वाली ग्रिल जैसा आप देख सकते हैं, अच्छे से पेस्ट किया गया था, लेकिन मैंने इसको निकाल दी सिर्फ आप लोगों के लिए। साइज नाप लेते हैं स्पीकर का। ये स्पीकर 3 इंच के हैं, मतलब 3-3 इंच के। इसमें 2 स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल डिसेंट है। तो ये देखिए, इसकी ये मैश निकाल दी, इसको भी काफी अच्छे से पेस्ट किया गया। तो अब सबवूफर का साइज नाप लेते हैं, जो की है सबवूफर का साइज, इसमें वही 5.5 इंच का इस्तेमाल किया गया। ये जल्दी से इसका साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट कर लेते हैं। हिंदी पंजाबी गाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। या तो इंस्टाग्राम की होगी या तो फिर गूगल ड्राइव की होगी, आप ऑडियो को सुन सकते हैं। भगवान श्री राम का नगरी थी अयोध्या की, ना जहाँ झूठा खौफ था, दशरथ की सीमा में ना सत्य भी रूप था, पूरा था प्रताप, उतरा थोड़ा चेहरा, क्योंकि कोई ना संतान थी, बस यही एक शोक था। राम की काया में थे स्वयं ही नारायण, सभा में राम ने था धनुष को उठाया, प्रत्यक्ष एक छोर से वो दूसरे को ले जाते, टूट गया धनुष प्रत्यक्ष को चढ़ाते, जनक की दुलारी अब पहुंची राम नाम तक, धनुष की शक्ति की गूंज पहुंचे परशुराम तक, पहुंचे परशुराम, बड़ा किया पढ़ा दिया, नसीब है नसीब वाले होते जो अपनों के करीब है। गया जो ना था मैं वो हो गया, थे जिनके दिल तोड़े उनसे माफी हाथ जोड़ के, जिन्होंने दिए धोखे उन्हें राम राम बोल के, मैं जो थी पहले न छपे। भाई साहब, देखा आपने, साउंड क्वालिटी तो काफी ज्यादा धमाकेदार थी और आवाज भी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। फ्लॉज मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर आप इसकी वॉल्यूम को 50% से ऊपर करते हैं, तो आपको इसका बेस थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप फुल पे बेस रखेंगे तो इसकी आवाज वहीं से फटनी शुरू हो जाएगी। बेस पाइप है, डिजाइनिंग इसकी एकदम अच्छी नहीं करी गई। इसके अंदर में ये माउस गार्ड लगा रखा, चूहा वगैरह ना घुसने पाए, तो इसकी वजह से इसमें एक फर फर इस तरह की आवाज आ रही है। अगर इसे लगाना ही था तो थोड़ी सी डेप्थ और अंदर देनी चाहिए।
चाहिए थी। यहाँ ऊपर साइड से भी इसका एयर लीक होने लगा, इसके अंदर जो बॉक्स बना है वो अच्छे से नहीं बना हुआ। बाकी क्लियरिटी तो काफी अच्छी है, बस बेस मोड़ा मोड़ा दिक्कत। पुराने जमाने के गाने सुनते हैं मतलब जिसमें बेस बहुत ज्यादा नहीं होता तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी डील है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा रॉक म्यूजिक सुनते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बेस होता है, तो उस हिसाब से ये ठीक नहीं रहेगा, ये फिर आवाज आपकी बहुत ज्यादा क्रैक होगी, नहीं तो फिर आपको बेस काफी कम रखना पड़ेगा। और इसका रिमोट देखिए, आपका रिमोट ऐसे कर सकता है। और इसमें माइक कनेक्टिविटी तो दी हुई है। तो एट द एंड आप मेरे से पूछेंगे कि यश भाई मुझे इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं तो कहूंगा कि हाँ, अगर ये आपको भाई 1900-2000 रुपए के आसपास मिल जाए तो हाँ ये एक अच्छी डील कहलाएगी। पर भाई थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हैं, मतलब कि बेस इसका थोड़ा सा फटता है, 50-60% तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे इसके ऊपर जाएगा तुरंत ही फटना शुरू कर देगा। पर 50% तक वॉल्यूम पे भी इसका बेस काफी अच्छा सुनाई देता है, तो आपको इसका वारंटी के बारे में पता करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसमें 6 महीने की वारंटी तो कंपनी रहती, वो आपको देखना पड़ेगा, सेलर से इसके बात करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको ऑफलाइन स्टोर पे भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ऑफलाइन स्टोर से लेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छी डील आपको मिल सकती है। इसका FM सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा चलता है, ये वाली बटन मोड वाली बटन दबाते हैं। अरे शुरू हुआ निक्का निक्का एड ब्रेक। ओ मैं क्या पाजी, सिंगर हो तो जस्ट लाइक हनी सिंह, बी ब्रैक और मिका, और एड ब्रेक होवे ते पंजाबी फीवर दी तरह निक्का। पहले साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट तो बहुत हो गया, अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड, तो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। सारे पेज हमने खोल लिए हैं, कभी भी किसी भी लीड की मदद से मत खींचिएगा। तो ये देखिए इसका सर्किट बोर्ड बाहर आ चुका है। यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर मिल जाता है जो कि 12012 का है, 2.5 इंच का इसका कोर है। तो 2.5 इंच का वैसे तो अगर जो ओरिजिनल होते हैं ट्रांसफार्मर, 2.5 इंच में 2.5 एम्पियर तक का करंट होता है। देखने में तो एकदम देसी ट्रांसफार्मर लग रहा है, तो मे बी ये 1.5-2 एम्पियर के आसपास का ही हो। और साथ बेसिक 20-30 IC की किट मिल जाती है, इसमें आपको 3 IC लगी हुई दिख जाती है। 14 वॉट हाईफाई ऑडियो, मतलब एक IC लगभग 14 वॉट तक का आउटपुट दे सकती है, पर अगर आप इसमें और ज्यादा जोर देंगे तो ये थोड़ा और ऊपर चली जाती है, मतलब 15-16 वॉट तक चली जाती है। तो वैसे यहाँ पे 3 IC का इस्तेमाल किया गया, तो हम 15 वॉट मान लेते हैं, 15 × 3 जो कि हो गया 45 वॉट, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये 45 वॉट का है। और साथ में ये दो कैपेसिटर का बड़े बड़े इस्तेमाल किया गया, जो कि दोनों अलग अलग है, पता नहीं क्यों अलग है। ये कैपेसिटर है 25 वोल्ट 3700 UF का, और जो दूसरा कैपेसिटर है 35 वॉट 3300 UF का। तो जैसा आप देख सकते हैं हीट सिंक थोड़ी और मोटी हो सकती थी, पर ठीक है, ये 4558 IC लगी हुई है, कि लो बेस फिल्टर की तरह काम करती है, ताकि बूफर पे ओनली बेस बेस है। और साथ में ये एक IC लगी हुई है हीट सिंक, जिसके पीछे माउंट करी गई, ये है इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए, जो ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती। इस तरह से देखा जा सकता है क्वालिटी वाइज तो एकदम ही बेसिक है, जो भी टावर स्पीकर 2500 रुपए के नीचे आता है उसमें आपको लगभग ऐसी ही क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, मतलब एकदम बेसिक। इसका सब बूफर देख लेते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 4 ohm 30 watt, और IC सिर्फ दे सकती है 15 वोट मैक्सिमम आउटपुट, और बूफर लगाया हुआ है 30 watt। तो मैंने कहा नहीं था 50% वॉल्यूम के ऊपर फटता है, देखा मेरे को पहले ही पता चल जाता है। बढ़िया हूँ मैं भी। बाकी तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं अंदर की बिल्ड क्वालिटी तो काफी अच्छी है। स्पीकरों के लिए अलग से बॉक्स कैबिनेट बना हुआ है, ताकि इसके बेस से स्पीकर को कोई भी इफेक्ट ना हो, इसके लिए गुड जॉब की। तो क्वालिटी वाइज तो आपने खुद ब खुद देख ही लिया। तो एट द एंड हम इस कंक्लूजन पे आए हैं, आपको इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्वालिटी वाइज मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल बेसिक है। 6 महीने की वारंटी तो आपको कंपनी देती है, लेकिन वो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा सर्विस सेंटर कहाँ है। पर मेरी माने तो इसको ऑनलाइन लेने से अच्छा है कि आप किसी शॉप से, अगर आप शॉप से लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, वहां से रिप्लेसमेंट काफी इजी हो जाती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।